उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के गुनहगार अक्षय सिंह ठाकुर की दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ उसकी रिट याचिका गुरुवार को निरस्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में राजनीतिक संकट के हल के लिए शुक्रवार को ही विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण की। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बागी विधायक आना चाहें तो कर्नाटक एमपी के डीजीपी सुरक्षा दें। सिंधिया गुट के विधायकों को दिग्विजय सिंह का भावुक पत्र, कहा कड़वाहट को दूर करने के लिए 10 मिनट का वक्त दें। मध्य प्रदेश की 10वीं और 12वीं बोर्ड 20 से लेकर 31 मार्च तक होने वाली परीक्षाएं आगामी आदेश तक के लिए स्थगित। 22 से 29 मार्च तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की एंट्री बंद। 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर में ही रहने की हिदायत। कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए मैत्री फैमिली के साथ 22 मार्च को शाम 6 बजे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ें एवं अपने इष्ट को याद करते हुए धरती माँ से एक स्वर में माफी मांगें।